सत्कार्यो साध संगत जी निम्रता सहित आपनों फतेह अर्ज करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज पूरी सिख कौम कौमीयत के तौर के उत्ते अफसोस का दिहाड़ा मना रहा है। क्यों करके साडे नौजवान आगू भाई अवतार सिंह खंडे नूं बड़ी साजिश ते शरारत दे नाल शहीद किया गया। उन्हां दे माता बीबी जी चरणजीत कौर, भैन बीबी जस्सी कौर, वो सारे इत्थे विराजमान है। और जिस ढंग दे नाल भाई खंडे नूं शहीद किया, उस तो पहला उन्हां दे पिता कुलवंत सिंह भाई कुलवंत सिंह नूं किया, इस परिवार का कौम देन नहीं दे सकती है। और जो ये शहादत हुई है इहदे पिछे इंडिया की सरकार का पूरा हथ हैगा। साडे नौजवान आगू जिहड़े खालिस्तान की अगवाई करते सी उन्हां नूं बड़े तरीके दे नाल शहीद किया गया। मैं शुरू करूँगा कि लंदन दे विच जिहड़ी इंडिया की एम्बेसी है जिन्हों हाई कमिशन कहते हैं, उस दे उत्ते 20 मार्च नूं सिखां ने अपना रोस प्रगटावा किया सीगा। और एड्डा तकड़ा रोस मजारा सी कि दुनिया हिल गई कि सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। उदों बाद ये दौर चलिया इंडिया की हुकूमत वालों कि जिहड़े सिख नौजवान साडे आगू हैं जिहड़े अगे जा के साडी आजादी की अगवाई कर सकते हैं, बदले के तौर के उत्ते उन्हां नूं शहीद किया जाए। क्यों करके लंदन दे विच मार्च दे विच सिखां ने बहुत वड्डा मजारा इंडिया दे सफीरखाने दे उत्ते कीता। इस तो पहला साडे दीप सिंह सिद्धू 2022 दे विच शहीद किए गए। उस तो बाद साडे भाई मूसेवाल 2022 दे विच शहीद किए गए। पर जिहड़ा रंज की वजह नालों एक कतलेआम सिख लीडरां दी होई है, उहदियां तरीकां मैं दसदा। इंडिया दे सफीर खाने दे उत्ते सिखां ने 20 मार्च इस साल बहुत वड्डा कट किया ते भाई खंडे नू 15 जून नू 6वें महीने दे विच शहीद किया गया। उस तो बाद भाई परमजीत सिंह पंजवड़ नू लाहौर दे विच 5वें महीने मई दे विच पंजवड़ नू
लाहौर दे विच शहीद किया गया। साडे भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं कैनेडा सरी दे विच 20 तरीक जून नूं शहीद किया गया। भाई रिपू दमन सिंह मलिक नूं कैनेडा दी सरी दे विच 15/7 नूं शहीद किया गया, जिहदा मतलब है कि ये रंज दे नाल इंडिया ने इस सिखां नूं शहीद किया। इहदे विच कोई शक नहीं, मैं सिद्धा संगत दे विच इल्जाम ला रहा कि ये इंडिया ने शहीद किए हैं। तुहानूं पता होगा कि 2006 दे विच रूस की खुफिया एजेंसी का लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर लिटविंटो उस नूं लंडन दे विच बलैत दे विच 2006 दे विच शहीद किया गया, क्यों करके वो रूस नूं छड के बागी बन गया सी और बरतानिया दे विच उसने पनाह लई सी। जदों उहदा पोस्टमार्टम होया तां पता लग्या कि उस नूं एक जहरीली चीज़ दे नाल जिहनूं कहा जांदा है पुलिलियम, पुलिलियम दे नाल उहदे मूँह दे विच सिकरी तों वी छोटा दाणा उहदे मूँह च पाया गया। ਇਹ ਪਲੋਨੀਅਮ ਇੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਪਲੇਟੋਨੀਅਮ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਲੀਨੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪਲੀਨੀਅਮ सिर्फ रूस दे कोले है। याद रखना कि 1984 दे विच भी इंदिरा गांधी ते इंडिया ने सोवियत रूस दियां फौजां दरबार साहब दे उत्ते हमला कराउण दे लई ते बरतानिया दियां फौजां हमला करन दे लई मंगाईयां गईयां सी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੁਲੀਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 6-6, 2-2 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲਿਟਵਿਨਕੋ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ,
दोनों चीज़ां मिल दिए तरीका देख लो कि हुकूमत चिड़ी हुई सी कि सिखा ने मार्च के महीने इंडिया के सफीर खाने के बाहर एडा वड्डा मजारा क्यों कर दिता। उदी फिर रकम देनी पई इंडिया दे नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैगे है अजीत डोयल रॉ दे आईबी दे मिलिट्री इंटेलिजेंस दे ये सारे कट्ठे ने इन्होंने पलूनियम की दवाई किसी तरह खंडा साहब की जीभ के उत्ते रखी है और एक खतरनाक चीज कैंसर की बीमारी पैदा करती है। तुहानू पता है कि खंडा साहब नू पहला कैंसर की बीमारी नहीं सी। जे कैंसर की बीमारी होवे सारे नू पता लग जांदा है कि इस शख्सियत नू कैंसर है। सो बड़ी साजिश दे नाल खंडा साहब नू शहीद किया गया। उस तो बाद साडे परमजीत सिंह पंजवड़ नू लाहौर दे पंजवें महीने मई दे विच शहीद किया। उस तो बाद भाई हरदीप सिंह निज्जर नू छेवें महीने जून दे 20 तरीक गोली मार के शहीद किया गया। कैनेडा की पुलिस ने जिहड़ी गड्डी दे विच कातल आए सीगे वो फड़ी गई है। उहदा नतीजा की निकलता है वो असीं देखांगे। फिर रिपू दमन सिंह मालक इन्हां दा नाम लगता सी कि जिहड़ा 1984 दे विच एयर इंडिया दा कनिष्का हवाई जहाज जिहदे विच 328 सवारियां सी जिसने कैनेडा तो उडान भराई। उस उडान दे विच इंडिया दे कैनेडा दे सफीर खाने ओटवा विचों दो इंडिया दे अफसर ने जाना सी। कनिष्का हवाई जहाज दी उडान भरन तो पहला दो घंटे ये दो अफसर ने अपनी उडान कैंसल करती। भाई तलविंदर सिंह नू तुसी सारे जानते हो, उन्हां दा नाम कैनेडा की पुलिस ने रखा सी कि उन्हां दा हथ कनिष्का की उडान नू बर्बाद करन दे लई हो सकदा है। पर तलविंदर सिंह जी इत्थे उस वेले इंडिया दे विच सी, इन्हां नूं पंजाब पुलिस ते KPS गिल ने पकड़ लिया सी। जे कैनेडा दे विच सरदार तलविंदर सिंह पुलिस नूं चाहीदे सी फिर इंडिया ते पंजाब पुलिस नूं भाई तलविंदर सिंह नूं
कैनेडा के हवाले करना चाहिए सी पर नहीं किया। के पी एस गिल ने उन्होंने शहीद कर दिता। जिहड़ी कनिष्का दी उडान कैनेडा की धरती तो चढ़ी है उसने इंडिया आना सी राज विच वलैत आंदा है आयरलैंड आंदा है। ये जिहड़ा कनिष्का हवाई जहाज सी आयरलैंड दे समुंदर दे विच नष्ट हो गया। आयरलैंड दी गौरमेंट ने तफ्तीश की कि ये हवाई जहाज किवें साढ़े समुंदर दे विच नष्ट होया। तुहानू सारयां नू पता है कि फोरेंसिक साइंस हुंदी है। आयरिश दे फॉरनर जिहड़ा मौत की जांच करते हैं वजह लभदे है उन्होंने कनिष्का दी जिहड़ी बॉडी सी जिहड़ी कनिष्का दा लोहा सी उस नूं साइंटिफिक तरीके दे नाल एग्जामिन किया। तो आयरलैंड दे कोरनर की रिपोर्ट आई कि ये बरूद दे नाल नहीं फटिया जिहदा मतलब है राजीव गांधी की सरकार ने यह दुनिया नूं दिखाउणा सी कि सिख आतंकवादी हैगे है ते राजीव गांधी ते कांग्रेस ते इंडिया दे लई जरूरी हो गया सी कि इहो जिहे हवाई जहाज नूं भरी सवारियां दे नाल 328 दे नाल इहनूं नष्ट कर दईए। कैनेडा ने इहदी तफ्तीश कराई एक कमिशन बनिया उहदा नां सी मेजर कमिशन। मेजर कमिशन ने जदों अपनी रिपोर्ट दित्ती उहदे विच किसी सिख का नाम नहीं आया किसी सिख का नहीं आया जिहदा मतलब है कि अजे इहदी तफ्तीश अधूरी रह गई है। तो यूएन नूं इस दी तफ्तीश मुढ़ तो शुरू करनी पवेगी। नाले असीं कहिंदे हां कि यूएन भाई खंडे दी दीप सिंह सिद्धू दी मूसेवाल दी परमजीत सिंह पंजवड़ दी हरदीप सिंह निज्जर दी रिपू दमन सिंह मलिक दी यूएन तफ्तीश कराए। यूएन एहो जे गहरे कतलों की तफ्तीश कर सकता। लेबनान एक मुल्क है जिथे तुहाडे अंग संग जांदे है कम करदे है उन्हां दा वजीर आजम उहदा नां सी हरारे उस नूं शक्की हालत दे विच मरवाया गया सी। फिर यूएन ने उहदे कतल की तफ्तीश की। गुआंढी मुल्क अपना पाकिस्तान है इहदी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शक्की हालतों दे विच मरवाई गई सी। यूएन ने इहदी तफ्तीश कराई। सो मेरा कहण दा भाव है कि ये नहीं कह सकते कि यूएन तफ्तीश नहीं कर सकती। जे असी सारे बार बसते सिख इत्थे तकड़ा जोर पा दिए तो यूएन नूं ये सिखां दी
कतल की शहीदी की तफ्तीश करनी पेगी। सो सात संगत जी, मैं जितों तक पढ़िया लिखे हैं, जितों तक पुलिस की सेवा की है, तुहानू मैं सिट्टा कट के दिता। जिहड़े साडे देश दे सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोयल, उन्हां दी मुलाकात थोड़े दिन होए है। बरतानिया दे सिक्योरिटी दे वजीर दे नाल होई है। उस मीटिंग तो बाद बरतानिया दे सिक्योरिटी वजीर ने, उहदा पहला नाम है टिम, बाकी तुसी आप देख लिओ पता लग जूगा, उन्हें कहा है बरतानिया की सरकार 96,000 पाउंड खर्चूगी खालिस्तानिया का पता लैण दे लई। ओ टिम जी, पता की करना, मैं खालिस्तानी हाँ, मेरा नाम पहला लिख ला। ये कुछ शक है कि सिख खालिस्तानी नहीं है, किन्नियां दे नाम लिख लेंगे। तो बरतानिया नूं इहो जिहा रवैया नहीं होण देना चाहीदा, जो करके उन्हां दे मैंबर पार्लीमेंट दोसांझ साहब अंबरसर दे हवाई अड्डे ते आए सी, ते हिंद ते इंडिया दी हकूमत ने 2 घंटे उन्हां दी तफ्तीश कीती ते बाहर नहीं जान दिता। फिर भाई अमृतपाल सिंह दे सदारनी साहब जिहड़े बरतानिया दे सिटीजन है, वह बाहर जाना चाहते सी अपने पेके, उन्होंने भी हवाई जहाज उत्ते चढ़न की इजाजत नहीं दिती गई। सो मेरा मतलब है कि ये सारा रिकॉर्ड जिहड़ा मैं लभ्या, इहदा मतलब है कि मोदी सरकार ने सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंडिया दियां खुफिया एजेंसियां ने ये सिख लीडर दे कतल ते शहीदियां करवाईयां। इहदे विच हुण कोई शक नहीं रह गया, पर इत्थों दियां अखबारां अज हिंदुत्व दा रंग चढ़ गया, ना ट्रिब्यून, ना हिंदुस्तान टाइम्स, ना पीटीआई, ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ना इंडियन एक्सप्रेस ये गल्लां नूं दसूगी। पर हुण मुर्गी बाहर निकल गई है, मैं सारा कुछ बोलता है, जे नहीं प्रिंट करनगे की फायदा होगा ना प्रिंट करन दा, गल तां सारी निकल गई है। तो साध संगत जी, आपां सारे चौकस रहिए, किसे नूं खतरा मनाउण दी लोड़ नहीं है। किसे नूं मौत दा डर लगदा है, संतां ने मैनूं कहा सी, संत जरनैल सिंह ने, कि तूं चौपड़ी साहब दे पाठ करिया कर। पहला हैरान हो गए, कहिंदे तुसीं SSP हो, तुहानूं कहदा डर लगदा। मैं कहा जी, डर तो हरेक नूं लगता। फिर ये चौपी साहब ने मैनू जदों तनाई की सजा मैं कट्टी है, भरतपुर जेल, भागलपुर जेल, तिहार जेल दे विच, ये चौपी साहब दे नाल मेरी तनाई की कैद कट्टी गई। और तुसी बिल्कुल नहीं डरना, सिख मौत तो कदे डरदा नहीं है। एक बारी मौत आनी है, अज आ जे, पर कल नूं यकीनी आनी है।
सो किसी को डर नहीं लगना चाहिए, चढ़ती कला के नाल वाहेगुरु करके शहीद परिवार की पूरी रक्षा कौम करूगी। और मैं आस करते हैं कि सारे तुसी इन्हां दी माता दे लई भैन दे लई रोज़ अरदास करया करोंगे। प्रबंधकां दा मैं बहुत ऋणी है और हमेशा आस करदा फतेह दी, फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।